हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने का, जो था गाइस मेथड। अब उसी का एक फर्दर इंप्रूव्ड वर्जन हम ले आए हैं और वो है हमारे पास हमारा सेकंड मेथड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जो है फैराडेस मेथड। अब फैराडेस मेथड का अपरेटस जो है वो पहले देख लेते हैं क्या इसके अंदर हमारा सेटअप रहेगा, और उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे हमने वर्किंग करनी है और कैसे हम ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें दो हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए होती हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने वहां पे गाइस मेथड में भी कंसिडर की थी और यहाँ पे भी कंसिडर की थी। अगर आपको यहाँ पे मेन डिफरेंस जो है वो दिख रहा हो तो क्या है, वहां पे हमने लिया था लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल, लेकिन फैराडेज मेथड के अंदर जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें उसकी काफी स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो स्मॉल अमाउंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं क्वार्ट्ज एम्प्यूल पे, मतलब ग्लास के एक शीशे पे रखता हूँ। उस ग्लास के शीशे को फिर मैं सस्पेंड करता हूँ वायर्स के थ्रू और बाद में उसको एक सेंसिटिव वेटिंग बैलेंस मशीन के साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस मशीन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव ली है, ऑर्डिनरी वाली बैलेंस मशीन नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल था जो ऑर्डिनरी सैंपल मशीन जो है वो इजिली कैलकुलेट करके उसका चेंज डिटेक्ट कर लेती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका जो अमाउंट है वो काफी कम है, इस वजह से अगर इसके वेट में कोई चेंज आएगा तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सेंसिटिव एनालिटिकल वेटिंग मशीन जो है वो चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सेंसिटिव वेटिंग बैलेंस जो है वो कंसीडर किया होगा। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही दिख गया होगा कि हमारे पास वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल था और यहाँ पे हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल है। सेकंड इंप्रूवमेंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो ये है, गाइस मेथड के अंदर हमें हमारा जो सिस्टम है उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को कुछ इस तरीके से सस्पेंड करना पड़ता था कि हमारा जो आधा सैंपल है वो मैग्नेट के फील्ड के बाहर रहे और बाकी का जो आधा सैंपल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल है और पूरा का पूरा जो हमारा सैंपल है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहता है, तो हमें प्रॉपर जो अरेंजमेंट करना था आधा अंदर आधा बाहर वाला थोड़ा डेलिकेट अरेंजमेंट था गाइस मेथड के अंदर, वो हमें यहाँ पे नहीं करना। तो ये हमारे पास हमारी सेकेंड इंप्रूवमेंट आ गई। थर्ड इंप्रूवमेंट हमारे पास यहाँ पे ये है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई की थी एच गाइस मेथड में, लेकिन यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो हम अप्लाई करेंगे वो होती है हमारी H into dH by dx, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के साथ हमें ये वाला फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। इस फैक्टर को हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। टोटल स्ट्रेंथ को जब हम उसके ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हमारे उस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एच स्ट्रेंथ को अप्लाई करता तो हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता हमारी वैल्यूज थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती, लेकिन ग्रेडियंट को यूज करने पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज जो होती हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करती, तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो थोड़े से और एक्यूरेट हो जाते हैं। लास्ट हमने यहाँ पे हमारी इंप्रूवमेंट की, जो हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल हमारा जो एटमोसफेयर था, इस एक्सटर्नल एटमोसफेयर में हम क्या करते हैं थोड़ी सी नोबल गैसेस फील कर देते हैं, जैसे हीलियम फील कर सकते हैं, नियॉन फील कर सकते हैं, जिससे इनर्ट एटमोसफेयर जो है वो बन जाता है और हमारा जो सब्सटेंस है वो एज ए वैक्यूम अरेंजमेंट को फॉलो करके हमें एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया है गाइस मेथड और फैराडे मेथड में वो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला डिफरेंस हमारा ये है कि हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल ले लेना, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लेना है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि वहां पे हम आधा सैंपल जो है वो बाहर रखते थे, आधा सैंपल अंदर रखते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सैंपल जो है वो कम्प्लीटली हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। थर्ड इंप्रूवमेंट हमने ये किया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसका ग्रेडियंट भी कैलकुलेट किया ताकि एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहे, वो बारी बारी फ्लक्चुएट ना हो। और लास्ट इंप्रूवमेंट रही कि हमने इस पूरे अरेंजमेंट को परफॉर्म या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया इनर्ट एटमोसफेयर के अंदर ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट ना कर सकें।
प्रोसीजर हमारा वही रहता होता है कि हम मैग्नेटिक जो हमारा सैंपल है उसका वेट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करने के बाद जब टोटल वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो वो वाला वेट, दोनों वेट का डिफरेंस हम लेके वहां से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा सैंपल मैग्नेटाइज होगा तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, और उस स्मॉल फोर्स की वैल्यू हम कैसे देते हैं, स्मॉल फोर्स की वैल्यू हम देते हैं m into susceptibility into h into dh by dx. h में आपको बता ही चुका हूँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, dh by dx में आपको बता ही चुका हूँ ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, काई जो है यहाँ पे वो है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और m जो है यहाँ पे वो है हमारा मास ऑफ द सैंपल, जो भी सैंपल हमने लिया था उसका इनिशियल हमारा मास। तो ये हमारे पास हमारे फोर्स एक्टिंग की वैल्यू आती है, क्योंकि मैंने बताया कि इनर्ट एटमॉस्फेयर है तो हमें कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती जैसे हमने गाइस मेथड के अंदर की थी, तो इसी फॉर्मूला को एज इट इज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जो फैराडे मेथड का जो ऑपरेटस है, अगर हमें फैराडे मेथड का ऑपरेटस कैलिब्रेट करना है तो इसके लिए भी हम सेम कंपाउंड यूज करते हैं जो सब्सटेंस हमने गाइस मेथड को कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया था। ये होता है हमारे पास मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, तो यही सब्सटेंस हमने यूज किया था गाइस मेथड को कैलिब्रेट करने के लिए, गाइस ऑपरेटस को कैलिब्रेट करने के लिए। ये सेम जो हमारा सब्सटेंस है वो हम यूज करते होते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट को या फैराडे ऑपरेटस को कैलिब्रेट करने के लिए। तो ये हमारे पास हमारा बेसिकली जो है वो मैथमेटिकल पोर्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलिब्रेशन करने के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस चूज किया, स्टैंडर्ड सब्सटेंस के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी, स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए मैंने एस जो है सबस्क्रिप्ट लगा दिया, स्टैंडर्ड सब्सटेंस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज एफएस, स्टैंडर्ड सब्सटेंस का जो मास होगा दैट इज एम, ससेप्टिबिलिटी दैट इज एक्सएस, और ये हमारे पास हमारा ग्रेडियंट। और अगर मैं अननोन सब्सटेंस ले लेता, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होता उसकी वैल्यू हमारे पास आती F is equal to m into chi h into dh by dx। तो basically अगर आप देखो दोनों equations में जो हमने gradient apply किया वो बिल्कुल same है, हालांकि forces की value, mass की value और susceptibility की value जो है वो अलग अलग आ सकती है। तो ऊपर वाली equation को मैं number one बोल देता हूँ, जिस नीचे वाली equation को number two। ऊपर वाली equation से मेरे पास h into dh by dx की value आएगी fs divided by ms into chi s, नीचे वाली इक्वेशन में मेरे पास dx by dx की वैल्यू आएगी f into m into chi। अब दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट्स थे वो हमने सेम लिए थे, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी, तो यहां से हमारे पास एक ये भी रिलेशन बन सकता है। तो ऊपर वाले फॉर्मूला से मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, मास मुझे मेरे सैंपल का पता ही होगा वो मैं वेइंग मशीन से पता लगा लूंगा, स्टैंडर्ड कंपाउंड की सारी वैल्यूज हमें पता होती हैं, इन सब वैल्यूज को यूज करके भी मैं ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम जो हमारा सब्सटेंस है उसकी ससेप्टिबिलिटी इस रिलेशन को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल पोर्शन था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। अब फैराडे लॉज के भी हमारे पास कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो पहला एडवांटेज यही है हमारे पास कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल हमने यूज किया, गाइस मेथड के अंदर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज करना पड़ता था, फिर कई सैंपल्स ऐसे थे जो काफी एक्सपेंसिव होते थे जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में बाय नहीं कर सकते, तो उन सब्सटेंसेस के लिए फैराडे मेथड को यूज करके स्मॉल अमाउंट से ही हम उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मे बी नॉट यूनिफॉर्म, जैसा हमने गाइस मेथड में बोला था कि जो हमारी पैकिंग होती है सैंपल की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर हमारे सैंपल की पैकिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वहां पे हमें लार्ज एरर्स जो है वो ऑब्जर्व होंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, छोटी सी अमाउंट है सैंपल की उसको यूनिफॉर्म या रखना कोई जरूरी नहीं है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में भी होगा तो भी हमें एक्यूरेट वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे सैंपल का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। फिर हमारे पास आ जाती है हमारी इसकी सेकंड डिसएडवांटेज, सेकंड एडवांटेज जो है कि ये हमें
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली और डायरेक्टली दे देगा। तो अगर आपने नोट किया हो, गाइस मेथड के अंदर हमने वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो यूज किया था। गाइस मेथड के अंदर हम वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो हमने टर्म यूज किया है वो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, गाइस मेथड में ऐसा नहीं था। तो ये हमारी कुछ एक एडवांटेजेस हैं फैराडेज मेथड की। अब एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज है डेलिकेट अपरेटस। तो बहुत ही डेलिकेट अपरेटस है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव अपरेटस है, हल्का फुल्का डैमेज भी इसको खराब कर सकता है, तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। सेकेंड इसके पास आ जाए लार्ज एरर्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें लार्ज एरर्स के बार प्रोवाइड करवाता है। उसका एक छोटा सा रीजन यही है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल यूज कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल है और जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं वो काफी लार्ज अमाउंट करते हैं, जिस वजह से हमारा सैंपल जो है वो कई बार एक्सेसिवली मैग्नेटाइज हो जाता है और उसके वजह से लार्ज एरर्स जो है वो देखने को मिल सकती है। तो स्मॉल अमाउंट की वजह से कई बार हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर भी आ जाते हैं, अगर हम पूरा जो ऑपरेटर्स है हमारा वो केयरफुली यूज ना करेंगे तो। तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट था फैराडेज मेथड। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो है वो बड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। आप अभी आने वाले रिलेशंस के अंदर या आने वाले टॉपिक्स के अंदर देखोगे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं काई से, क्योंकि हम हमारे सब्सटेंसेस को कैलकुलेट करते हैं पर मोल के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनकी अमाउंट हम पर मोल कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंबल हमारा काई एन। तो काई जो था वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी थी, काई एन जो है वो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर मोल, या उसे हम मोलर ससेप्टेबिलिटी भी बोल देते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा सिंबल। अब कई जगह पे आप ये देखोगे कि मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसा भी लिख रखा होगा। तो ये हमारे पास कौन सी ससेप्टेबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ये एब्रीवेशन मैंने यूज किया है कोरेक्टेड के लिए। तो कोरेक्टेड मोलर ससेप्टेबिलिटी कौन सी होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आपने थोड़ा सा गाइस मेथड के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो गाइस मेथड में हमने जो हमारा सैंपल लिया हुआ था वो सैंपल हमने लिया था हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर या पाइरेक्स ट्यूब के अंदर, और वो जो ट्यूब थी हमारी वो डायमैग्नेटिक थी। तो जब हमने उस मेथड के अंदर ससेप्टेबिलिटी को कैलकुलेट किया, तो जो ससेप्टेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी उसके अंदर हमारे पास दो तरह की ससेप्टेबिलिटी आ गई। एक तो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी और एक हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी। तो उस केस में जो हमने टोटल ससेप्टेबिलिटी कैलकुलेट की थी, यानी कि हमारी मेजर्ड ससेप्टेबिलिटी जो थी वो थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी। ये जो ससेप्टेबिलिटी मैंने कैलकुलेट की है ये है मेरी मोलर ससेप्टेबिलिटी, दैट इज काई एम। अब यहां पे मेरे को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी तो चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो मेरे सैंपल की ससेप्टेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था, मुझे सैंपल की वैल्यू चाहिए, उसके अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टेबिलिटी इन्वॉल्व होगी मुझे होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, अगर मैं मेजर्ड ससेप्टेबिलिटी में से डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को माइनस कर दूंगा। तो जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी निकालते हैं, हम मेजर्ड वैल्यू में से डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो हमारे पास हमारी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी आती है वो हमारे पास होती है हमारी कोरेक्टेड मोलर ससेप्टेबिलिटी। तो जहां पे भी मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, सिंबल मैंने रिमूव कर दिया, दोबारा लिख देता हूं, जहां पे भी मैं मोलर ससेप्टेबिलिटी के लिए ये सिंबल यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारी कोरेक्टेड ससेप्टेबिलिटी है ऑफ ओनली एंड ओनली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी है जो मैंने मेजर्ड ससेप्टेबिलिटी में से डायमैग्नेटिक वाली ससेप्टेबिलिटी को माइनस करके ऑब्टेन की है। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था फैराडेज मेथड का। जो हमारे मेजरमेंट के मेथड थे दोनों एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी सब चीजें करते हैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।